आगे हमारे साथ निश्वास जिन्होंने एक अभियान छेड़ा है कि बाल दिवस 14 नवंबर की जगह श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे मनना चाहिए, ऐसे क्यों है और ऐसे क्यों सोचते हैं जानते हैं उनसे। मनीष जी देखिए जी, आज़ाद भारत की सबसे बड़ी विडम्बना ये रही है कि अगर हम आज भी देश की 90% जनता से पूछें कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, तो वो ये बोलेंगे कि सिखों के गुरु। अगर हम उनसे ये पूछें कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, तो फिर वो यही बोलेंगे कि सिखों के गुरु, सिखों के भगवान। विडम्बना ये है, दुर्भाग्य ये है कि इस पक्ष से देश को शिक्षित किया ही नहीं गया कि वो सिर्फ गुरु क्यों थे, गुरु ही नहीं थे। उन्होंने, उनके इतने बलिदान थे धर्म के लिए, मानवता के लिए, कि लोगों को वो सिखाया ही नहीं गया, लोगों को वो पढ़ाया ही नहीं गया कि उनके बलिदान क्या थे। तो मैंने इसलिए अपना मोदी जी से ये गुजारिश की है कि लोगों को स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि उनके बलिदान क्या थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, देश तो बहुत छोटी सी बात है, देश नहीं बोलूंगा, मानवता और धर्म के लिए क्या क्या बलिदान दिए, अपनी जान, अपने दोस्त, इसे सब कुर्बान कर दिए। कितनी कुर्बानी है जानते नहीं है वो लोग। इसलिए मैंने ये मांग की गई है कि बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ों बच्चों के लिए अपने चार साहबजादे वार दिए। लेकिन आपके विवाद भी उसका नजर आ रहा है, इसलिए आपको मेरी श्री चाचा नेहरू बाल अस्पताल का नाम बदलकर श्री गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह बाल अस्पताल का नाम। नहीं, इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। विवाद कहाँ से आता है? मैंने सिर्फ छोटी सी मांग की है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, फिर वही बात बोलूँगी, देश के अनेकों बच्चों के लिए अपने चार पुत्र वार दिए और एक आंसू नहीं रोए। चाचा नेहरू की बात करते, चाचा नेहरू ने क्या किया? चाचा नेहरू ने देश की गद्दी पे काबिज होने के लिए लाखों लोगों के मर्डर करवा दिए। लाखों लोग मरे थे, मैं तो मर्डर ही कहूँगा, मर्डर करवाए। उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए था, जो लाखों लोग मरे थे, लगभग 20 लाख के आसपास लोग मरे थे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए थे वो सिख कौम हुई थी। क्यों हुई थी? कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के डिवाइडेशन हो रही थी, जो मुसलमान उधर जा रहे थे वो यहाँ पर हिंदू औरतों को ज़बरदस्ती छीन के लेके जा रहे थे, उनके घरों को लूट रहे थे, उस वक्त सिख आए थे उन्हें बचाने के लिए। सिखों ने ऐसे ऐसे बलिदान दिए। चाचा नेहरू ने क्या किया? अगर चाचा नेहरू चाहते तो भगत सिंह जी आज जिंदा होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भगत सिंह जी बच गए तो चाचा नेहरू को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और जिन्ना की एक ही मांग थी कि चाचा नेहरू को छोड़ के किसी को प्रधानमंत्री बना दो, नेहरू नहीं माने, उन्होंने तो लाखों लोगों को मर्डर करवा दिया। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर क्यों हॉस्पिटल होना चाहिए? हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनेकों बच्चों के लिए अपने बच्चे कुर्बान किए। तो इसलिए बच्चों को हॉस्पिटल उनकी याद में उनके नाम पर बनना चाहिए।